सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम शांति। आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ जानेंगे कि कैसे देख सकते हैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ से कि बच्चा कौन सी उम्र में होगा। अगर आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप पहले ही जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में बच्चा कौन सी उम्र तक हो जाएगा, तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है, डेट ऑफ बर्थ है ये। तो इस डेट ऑफ बर्थ का हमें अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट से जानना है तो इसका मूलांक और भाग्यांक निकालना ज़रूरी है। मूलांक और भाग्यांक जो होते हैं वो डेस्टिनी नंबर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं। इन्हीं के द्वारा हम जान सकते हैं किसी का भी भविष्य या फिर कह लीजिए कैरेक्टर और डेस्टिनी उसकी क्या होगी। ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लाइफ पाथ होते हैं, जो उनके कर्म होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनके मूलांक और भाग्यांक होते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, जिस तरीके से सात इनका दिनांक है तो सात ही इनका मूलांक हो जाएगा। अगर इनका दो वर्ड का दिनांक है, जैसे कि कह लीजिए 31 इनका जन्म तारीख है, तो 3+1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इनका मूलांक होगा। इस तरीके से आप मूलांक निकाल सकते हैं। भाग्यांक निकालने के लिए आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे। जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 37 आया, पर हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। जब इनको फिर से जोड़ा तो 10 आया, तो हमें सिंगल डिजिट नंबर चाहिए, तो 1+0 करके हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से आप भाग्यांक निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो ज़रूरी काम होता है वो होता है लोशु ग्रेड बनाना। अगर हम लोशु ग्रेड से जानना चाहते हैं, न्यूमेरोलॉजी से जानना चाहते हैं, तो अपने को जो लोशु ग्रेड है वो बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो परमानेंट लोशु ग्रेड होता है, इसमें 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं जो अभी अपने ग्रह होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये लोशु ग्रेड देखकर हम अपना लोशु ग्रेड बना सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर 7 है, तो हम 7 की पोजीशन देखेंगे। 7 की पोजीशन है यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद 5 की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर है 5, यहाँ पर लिख देंगे। 1 की जगह यहाँ पर है, 9 की जगह यहाँ पर है, 6 की जगह कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, 6 यहाँ की जगह है। तो इस तरीके से फिर आप मूलांक लिखेंगे। मूलांक हमने लिख देना है, तो मूलांक इनका है 7, भाग्यांक इनका है 1। तो यहाँ पर इस तरीके से 7 हो जाएगा, ये लिखना ज़रूरी है। अगर आपका मूलांक 7 है तो 7 आप इस जगह पर इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपना लोशु ग्रेड बना सकते हैं। आप मेरे साथ पेन पेपर लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक और भाग्यांक निकाल कर लोशु ग्रेड बना लीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वो बच्चा देखने के लिए हम क्या देखेंगे कि कौन से ग्रह होने ज़रूरी हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपको होना ज़रूरी है 4 नंबर राहु, 5 नंबर होना ज़रूरी है। मैं आपको लिख के बताती हूँ, 5 नंबर होना ज़रूरी है, 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो स्टेबिलिटी का नंबर होता है। अगर ये आपके में नहीं है यहाँ पर, तो बच्चा कंसीव ही नहीं होगा, अबॉर्शन कह लीजिए हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर आपके पास स्टेबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ को करने की, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। क्या पता आपको फिर से वो एनर्जी मिल जाए, आपके पार्टनर के नंबर में 5 हो तो इस तरीके से आपको उसकी एनर्जी मिल जाती है। तो उस तरीके से अगर आपको मिल रही है तो आपको बच्चा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए क्योंकि आपके में नहीं है। मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी लोशु ग्रेड में 5 है या नहीं है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, 2 नंबर जो होता है वो रिलेशनशिप का नंबर होता है। अगर आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता है, बहुत अच्छे आपके संबंध हैं, तो आपको जो बच्चा होना जल्दी हो जाता है। यहाँ पर 2 नंबर नहीं है तो हो सकता है इनके जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शादी के बाद, क्या पता इनकी लड़ाई हो, इस तरीके से इनके में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो 7 नंबर होता है, ये बच्चे का नंबर होता है। 7 नंबर अगर रिपीट होता है तो वो अच्छा होता है, तो इनके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा होने में। हो सकता है यहाँ पर उनके पास लड़ाइयाँ हों, लड़ाइयाँ थोड़ी बढ़ जाएं, लेकिन बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 5 भी हैं 7 भी है। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चा जल्दी होगा या लेट होगा, हमने देखना है। 5 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर है नहीं है, लेकिन 5 है 7 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 4 भी नहीं है तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि सारे नंबर ही देखते हैं, एक नंबर से नहीं पता चलता, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो कर्मों से ऐड होते हैं।
जैसे आप गर्म करते हैं वो आपके नंबर ऐड होते चले जाते हैं, जैसे आप ख़राब गर्म करते हैं वो गर्म करते हैं तो आपके जो नंबर होते हैं वो कम होते चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका कौन सा है जानने का, जैसे अपने जो है मूलांक है सात है, सात प्लस नौ प्लस नौ, तो हम इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा, आएगा पच्चीस। तो यानी कि 25, 26, 27 इस उम्र में आपके जो बच्चा होने का योग होता है वो होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी शादी होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं। जिस तरीके से आपकी 19 की उम्र में शादी हुई तो 25, 26, 27 की उम्र में आपके बच्चा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने क्या किया है, हमने दो बार नो ऐड किया है। जो नो होते हैं वो हमारे ग्रह होते हैं, जितने ग्रह होते हैं हम उसको दो बार जोड़ते हैं जो अपनी मूलांक होती है, तो मूलांक में हमने दो बार जोड़ा है तो इनका 25 आया है। 25, 26, 27 का जो अनुमान होता है वो इनके हम लगाते हैं, यानी कि इस उम्र में इस एज में इनका बच्चा होगा, पहला जो बच्चा होगा वो इस एज में होगा। हम भाग्यांक से भी देख सकते हैं, अगर आपकी शादी बहुत जल्दी हो गई है, यानी कि मान लीजिए 18 की उम्र में ही आपकी शादी हो गई है, तो आपका बच्चा जो होगा वो आपका जो बच्चा होगा वो जान सकते हैं आप 18 + 1 = 19 हो जाते हैं आपके, 19 से लेकर 25 तक आपके बच्चे हो सकते हैं, पहला बच्चा आपका 19 की उम्र में भी हो सकते हैं, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। और ऊपर से आपकी जो लॉन्चिंग डेट उसमें 5 भी है, जो स्टेबिलिटी का नंबर है, स्टेबिलिटी भी है आपके पास, और आपके पास जो एज देखने का तरीका है वो भी आपके पास है। तो यहाँ पर 19 से लेकर 25 के बीच में या फिर 26, 27 दो और ऐड कर लीजिए, तो उसमें 27 की उम्र तक आपको जब भी आप चाहें तब भी आप बच्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, क्योंकि स्टेबिलिटी है यहाँ पर। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले आप मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे, फिर आप अपना लॉन्चिंग डेट बनाएंगे, फिर आप देखेंगे कि नंबर है या नहीं है, 5 नंबर, 7 नंबर, 2 और 4 नंबर। उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके से, अगर आप देखना चाहते हैं कौन सी एज में आपके बच्चा होगा तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी तरीका है कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से जान सकते हैं कि आपका बच्चा कौन सी उम्र में होगा, लेट होगा या जल्दी होगा शादी के, यानी कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं बहुत बार की शादी के बाद बच्चा होने में, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट छोड़ सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आप मुझे किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें या चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।